पाकिस्तान सुपर लीग 3 का फाइनल मार्का कल होगा। कराची मेजबानी के लिए तैयार। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों ने शहर कायद में पड़ाव डाल दिया। नेशनल स्टेडियम में घुमसान की क्रिकेट जंग छिड़ने का खदशा। लिविक रोचियर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जान तो पेशावर ज़ल्मी को कामरा नकपल वर्मान। अवाम को बेताबी से 25 मार्च का इंतजार। वज़ीर-ए-आला सिंध का रात गए नेशनल स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर के इलाके अस्करी 11 में तहरीक कत्ल की वारदात। 3 बच्चों को गला दबा कर कत्ल किया गया। कत्ल होने वालों में 8 साल जैनुल आबदीन, 6 साल कनीस फातिमा और 4 साल इब्राहिम शामिल। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि माजी में नवाज शरीफ को हाईजैकर ठहराया गया, आज भी मुमकिन है अदालतें ऐसा फैसला कर दें। ऐसे फैसलों से नवाज शरीफ की सियासत खत्म नहीं होगी। नवाज शरीफ जेल गए तो वहां से पाची पॉलिसी दे सकते हैं। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा मियां साहब को शायद निगरान सेटअप का तरीका पता नहीं। निगरान सेटअप लाना कायदे ऐवान और ओपोजिशन लीडर का काम है। मियां साहब को पेशकश की थी पार्लियामेंट में पैनामा बिल पास करा लेते हैं, समझाया था। और चीफ जस्टिस ने मेरे मेडिकल बोर्ड से मुतालिक जो कहा उसे कबूल करता हूं। अदालत का हर हुक्म सर आंखों पर होगा। चीफ जस्टिस जो बेहतर समझे वो करे। शर्जील मेमन की एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सबको पता है नैब पंजाब में क्या कर रहा है और सिंध में क्या।